लाइफ फुली चेंज हो गई है जब से गोला आया है, मतलब नए हम लोग हियरिंग हो गए हैं ना। डॉक्टर ने पहले कहा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो मेरा है, तो मैं खुश हो गई हूँ। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और करूंगी बच्चे में। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचियास। लाइफ ऑफ लिम्बाचिया तो सुपर्ब निकल रही है अभी। लाइफ हमारी लाइफ फुली चेंज हो गई है जब से गोला आया है, मतलब हमारा बेबी जिसका नाम हमने प्यार से घर का नाम गोला रखा है, लाइफ चेंज हो गई। मुझे इतना मज़ा आ रहा है और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो मुझे कहते थे ना, अब भी मज़े कर ले, अब भी घूम ले, अब भी जो करना कर ले, जब बेबी आ जाएगा ये कुछ नहीं होने को मिलेगा, बिल्कुल ये सब झूठ है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल और सारा माहौल अपने हिसाब से सेट किया हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता। और हमारा गोला सुपर्ब है यार, मज़ा आ रहा है। ऐसे लगता है कि एक दोस्त आ गया लाइफ में। अभी हर शूट पे होता है, मैं घर पे होती हूँ तो मैं कितनी कितनी देर उसके साथ ही खेलती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। जब हर्ष शूटिंग से वापस आता है रात को लेट नाइट 2-3 बजे, तो गोला जाग रहा होता है तो हर्ष नहा वहा के उसको देखता ही रहता है। मैं हर्ष को देखती रहती हूँ, बोलता यार मुझे बहुत मज़ा आता है इसको देखने में, मतलब अलग ही मेडिटेशन, ऐसा लगता है योगा कर रहे हैं हम। सो गाइज, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और कोई भी लाइफ चेंज नहीं होती, आपकी लाइफ और बेटर हो जाती है और अच्छा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में और ज़्यादा प्यार हो जाता है। मेरे और हर्ष में तो बहुत ज़्यादा और प्यार हो गया है, इमोशनल हो गए हम। लाइफ सीरियसली सुपर्ब हो गई है और थैंक यू गॉड एंड थैंक यू गाइज, आपने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया और बहुत बोला है कि भारती ने लास्ट मोमेंट तक काम किया। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो शायद मैं लास्ट मोमेंट तक काम नहीं कर पाती। सो सीरियसली लाइफ सुपर्ब हो गई है, थैंक यू गॉड। और बस गोले को लेकर आए, फर्स्ट टाइम हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, और आज उसका फर्स्ट टाइम का चेकअप है जब से वो पैदा हुआ है। आज 8 दिन का हो गया, आज उसका फर्स्ट चेकअप है। तो लेके जा रहे हैं, हर्ष चला गया नीचे गाड़ी निकालने और थोड़ा ड्राइवर को बोल के सैनिटाइज करेंगे। इतने हम लोग केयरिंग हो गए हैं ना, मतलब मज़ा आ गया लाइफ का सीरियसली। अभी सच्ची ऐसा लग रहा है कि एक और करना चाहिए, बट इतनी जल्दी। सो मैं जा रही हूँ नीचे, हर्ष वेट कर रहा है और गोले को भी लेना है, आंटी भी तैयार है गोले वाली। और लव यू। फाइनली हम डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, बी पॉजिटिव। डॉक्टर ने पहले कहा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो मेरा है, तो मैं खुश हो गई। मैं कहा बच्चे पे हक मेरा ज्यादा है, बट अभी तुरंत ही डॉक्टर की हर्ष के साथ कुछ साठ गांठ हुई है घड़ी वड़ी की। घड़ी में डिस्काउंट दिलवाऊंगा, तो तुरंत ही बी पॉजिटिव कर दिया उन्होंने। सो गाइज, मैं बोल दूं कि ये डॉक्टर विनीत है, बच्चों के बेस्ट डॉक्टर, मतलब टॉप 5 में इनका नाम आता है। वैसे तो पता नहीं चलता कि लोग घूमते रहते हैं अच्छे डॉक्टर कहाँ है, अच्छे डॉक्टर कहाँ है। सो ये डॉक्टर है, देखिए कितने हैंडसम डॉक्टर है। भगवान की दया से 4th शादी इनकी बहुत अच्छी चल रही है। हर बीवी से 6 बच्चे हो गए, तो उनका खुद का एक हॉस्पिटल बनेगा जिसमें सारे बच्चे। जोक्स अपार्ट, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। हम एकदम टेंशन फ्री है क्योंकि ये हमारे साथ है और हमारा बेबी एकदम ठीक है, और बस बड़ी चीजें बताई है। और सबसे अच्छी बात है कि जो डैडी होते हैं उनको पूरा इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारी ड्यूटी मम्मी की नहीं है, डैडी की भी है। yes. तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, बच्चे की दवाई है, वो सब हर्ष को समझाई गई है और हर्ष ने समझी भी है। सो आप जब ये मेरा ब्लॉग देखेंगे तो मैं डॉक्टर, ये विनीत है, देखिए कितने हैंडसम डॉक्टर। सारी नर्सिस जब ये जाते हैं, गाइस अगर किसी को भी बच्चे के रिलेटेड कोई बात पूछनी है, मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल अपने यूट्यूब जो मेरा ये वीडियो है उसमें मैं मेंशन करूंगी। आप इनको क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट मिले तो ले लेना, क्योंकि मिलेगी नहीं। सो कोई भी बच्चों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप डॉक्टर विनीत को पूछ सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे जाके, और इनको फॉलो कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों की, प्लीज आप इनसे पूछिए, हम तो सॉर्टेड है बस। सो फाइनली हम घर आ गए हैं डॉक्टर को दिखा के। डॉक्टर विनीत समदानी, बेस्ट डॉक्टर इन मुंबई, और उन्होंने बोला गोला एकदम ठीक है, उसका वेट भी बढ़ गया है थोड़ा, और
बड़ा हेल्दी बेबी है, मैं भी बड़ी हेल्दी हूँ, मेरा वेट कम हुआ ही और हर्ष का वैसा ही है जैसा था वो। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बहुत कुछ अच्छे से समझाया, मतलब एकदम रॉ बच्चा बनाने को बोला है कि ऐसा नहीं कि रोए तो तुरंत दूध दे दो, थोड़ा रोने दो उसको, डायपर एकदम से ऐसा बार बार चेंज नहीं करना जो मम्मियाँ बोलती है ना कि अरे दो दो घंटे में डायपर चेंज करो, ऐसे नहीं करना, जब रोए तभी दूध देना, ऐसा नहीं कि खेल रहा है वो ऐसे ऐसा मुँह में हाथ डाल रहा है तो बोतल मुँह में डाल दो या दूध पिला दो माँ का, ऐसा कुछ नहीं है। सो एकदम रो और मजबूत बच्चा बनाना है मेरी तरह। सो बड़ा मज़ा आया आज लेके गई मैं डॉक्टर को। वैसे मैं जब कोई गाड़ी में बैठ के कोई चीज़ पकड़ती हूँ हाथ में तो मेरा हाथ दुखने लग जाता है, बट आज वन आर जाने को वन आर आने को लगा और मैंने गोले को आने जाने दोनों टाइम पकड़ा हुआ था और एहसास ही नहीं हुआ कि बाजू भी दुखती है। यार ये माँ बाप बन गए ना सच में, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है और करूँगी बच्चे में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस एक बात बतानी यार, बड़ी भूख लग रही है, मतलब मैंने एक 7:30 ब्रेकफास्ट किया, एक 11:30 ब्रेकफास्ट किया, शायद बच्चे को फीड करवाओ तो ज़्यादा भूख लगती, लेकिन ऐसी कैसी वाली भूख है यार। मैंने दो पराठे 7:30 बजे खाए और अभी एक प्लेट भर के पोहा खाया और अब बज रहे 12:30, तो मुझे फिर से भूख लग रही है, तो अब मैं फ्रूट्स खाऊँगी। मैंने सोचा था कि गोले के होने के बाद मैं थोड़ा मेंटेन रखूँगी, पतली हो जाऊँगी, बट आई थिंक बच्चे को फीड करवाओ तो बहुत भूख लगती है। मुझे लगता है गोला गोला मैं ना गोला हो जाऊँ, फिर आप पहचान नहीं सकते कि बड़ा गोला कौन सा है और छोटा गोला कौन सा है, क्योंकि पापा तो गोला है ही नहीं, वो तो एक लंबा डंडा है, लेकिन माँ और बेटा दोनों ही गोला है। सो गाइस लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है आज, खतरा खतरा का शूट है, हर शूट पे है और मैं घर पे हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लिया है, लेकिन बहुत जल्दी वापस आ रही हूँ, बहुत जल्दी मतलब ऐसे शायद अगले ब्लॉग में। सो बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं मैं और हर्ष इस वक्त। हर्ष अभी यार बड़ा अच्छा पति बन गया है, बड़ा अच्छा पापा बन गया है। अब बाजार जाता तो बोलता भारती मैंने ना वहाँ पे ट्रैक सूट देखा, छोटे बच्चे का भी था बड़े बच्चे का भी था, तो मैं सेम सेम लूँगा गोले जैसा, सेम शूज़ लूँगा, वरना ये कभी मैचिंग नहीं करता था मेरे साथ स्टेज पर। मैं बोलती थी कि मैचिंग करते हैं यार थोड़ा थोड़ा कलर, अरे नहीं नहीं ऐसे सेम ऐसे नहीं करना यार, तो अब उसके साथ मैचिंग कर रहा है, मतलब कि मतलब बच्चा आपके विचार आपकी लाइफ चेंज कर देता है सच्ची यार। हमने क्यों लेट किया, 4 साल क्यों लगाया यार, हमें गोला पहले ही कर लेना चाहिए था। सो अभी सब लोग बोलने लगे हैं कि अरे लड़का हो गया, बस एक लड़की हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए। क्यों परिवार पूरा हो जाए, परिवार पूरा है, चाहे ये लड़की भी होती तो मैं भी बोलती परिवार पूरा है, अभी लड़का है तो परिवार पूरा है, लड़की है तब भी परिवार पूरा है, मैं ऐसे बोलती, बट अभी नहीं, इसको बहन चाहिए एक। देखो बातें कर रही थी और मिक्सी चला दी, चलो कोई बात नहीं, खाना मेरे लिए ही बन रहा है, बट सच्ची यार मुझे बेटी चाहिए। लोग बोलते हैं कि एक कर लो बेबी और कर लो, अभी 2 साल तक एक कर लो, मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे कोई गारंटी दे दे कि हाँ लड़की होगी, क्योंकि मैंने बड़े सपने सोचे थे, छोटी सी फ्रॉक, बड़े बड़े हेयर बैंड, क्लिप्स लगाऊंगी उसको। फिलहाल मैं कुछ फ्रूट खा लेती हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं, मैं और गोला दोनों सो गए थे, मैं खाना खा के गोला दूध पी के मतलब ऐसे बेहोश होके सोए, और ये बच्चा भी बड़ा अच्छा है यार, मैं 3 घंटे सोई इसने 3 घंटे तंग नहीं किया, ये भी सो रहा था, मतलब ये अभी भी सो रहा है, मैं उठ गई हूँ। सो ये ज़्यादा इसने काम किया ना इसीलिए इसको ज़्यादा नींद चाहिए। सो हर्ष अभी भी शूट पे है खतरा खतरा के, मैं और गोला अकेले हैं घर पे, मतलब अकेले नहीं है, गोला की जापा आंटी है और एक हाउस हेल्प भी है, बट दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मैं सच्ची बोलूँ मुझे पूरे दिन में हर्ष की याद भी नहीं आई, क्योंकि मैं गोले के साथ ही लगी रही, बट हाँ नहीं नहीं मैंने एक दो बार फ़ोन करके खाना वाना सब पूछ लिया है। सो जैसे ही पैकअप हो जाएगा हर्ष फटाफट आएगा और फिर नहा के गोले को देखेगा। सो गाइस होप्स हो कि अगले ब्लॉग में आपको मैं गोला दिखा दूँ, है ना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं गोला दिखाऊँ आपको, बट हमारे थोड़े मम्मियाँ थोड़ी कहती है कि अभी 40 दिन तक बच्चा नहीं दिखाना, तो कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, क्या पता कोई रीज़न हो, मेरा बस चलता तो पैदा होता मैं तभी दिखा देती। सो गाइस चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, और बहुत सारी बातें कर रही हैं, बहुत सारा गोले के बारे में बताना है,
और मैं शूट पे वापस आ रही हूँ, ये भी आपको बताना है, आपसे शेयर करना है। सो तब तक ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आप हर वीडियो को ट्रेंडिंग में डाल रहे हैं और ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लव, बड़ा प्यार दे रहे हैं यार आप लोग ने। बाय। जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो करना, और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, ठीक है। बाय बाय गोले, बोल दो गोले, बाय बाय बोल दिया, हाँ बाय।